ये बैकग्राउंड में टेक्स्ट, ये कैप्शंस, ये जूम इन जूम आउट और ये कलर ग्रेडिंग, ये पूरी एडिटिंग मैं अपने फोन से ही करता हूँ। आज से आप लोग भी ऐसी एडिटिंग करने वाले हो, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप लोग एक प्रोफेशनल तरीके से अपनी शॉर्ट वीडियो को एडिट कर सकते हो, वो भी अपने फोन से। तो ये मेरी एक रॉ वीडियो है जिसमें अभी तक मैंने कोई एडिटिंग नहीं की, तो इस वीडियो को आज मैं आपको एडिट करके दिखाने वाला हूँ किस तरीके से मैं अपनी शॉर्ट वीडियोज को एडिट करता हूँ, आप लोगों को किस तरीके से अपनी शॉर्ट वीडियोज को एडिट करना है। बट उसके लिए आप लोग को दो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, एक है वीएन एडिटर और दूसरी है कैपकट। वीएन एडिटर आप लोग को आसानी से मिल जाएगी आपके प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पे, बट कैपकट आपको कहीं नहीं मिलेगी, ना आपके प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन मिलेगी ना आपको ऐप स्टोर पे मिलेगी। ये कैपकट एप्लीकेशन आपको अपने गूगल से डाउनलोड करनी होगी, अगर आप लोगों को नहीं मिल रही तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग एक न्यू व्यूअर हो, आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, तो आप लोग मेरी एक शॉर्ट वीडियो जाके देख सकते हो, मैं उस तरह की एडिटिंग आज आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, अगर आप लोग देखते हुए यहाँ तक आ गए तो वीडियो को एंड तक भी देखना, आपको बहुत कुछ सीखने वाले हो आज, आपको पूरी एडिटिंग पता चलने वाली है। तो अभी हम अपने फोन की स्क्रीन पर चलते हैं, ऐसे तो मैं आप लोग को समझा नहीं पाऊंगा, फोन की स्क्रीन पर हम चलते हैं, आप अपने फोन को ऐसे रोटेट कर लो, अच्छे से आप लोग समझ पाओगे। सो हाय दोस्तों, अभी मैं अपने फोन की स्क्रीन पर आ चुका हूं, आप लोग को यहां पे वीएन एप्लीकेशन सबसे पहले ओपन करनी है। मैंने आप लोग को दो एप्लीकेशन बताई थी, एक वीएन बताई थी और कैपकट बताई थी, आई डोंट नो आप लोगों ने एप्लीकेशन इंस्टॉल की या नहीं की, बट आपको सबसे पहले वीएन एप्लीकेशन ओपन करना है। देन यहां पे प्लस का एक आपको आइकन मिलता है, आपको उस पर क्लिक करना है, उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पे आपको जाना है और आपको अपनी वो वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है जिस वीडियो को आप एडिट करना चाहते हो। अभी लाइक मुझे अपनी ये वाली वीडियो एडिट करनी है, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आपकी कोई और सी भी वीडियो हो सकती है। सबसे पहले मैंने आप लोग को बोला है वीडियो का साइज, यहाँ पे आपको ओरिजिनल पे क्लिक करना है, यहाँ पे 9:16 पे आपको क्लिक करना है, ये हमारे शॉर्ट वीडियो का साइज है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट साइज रखोगे तभी आपकी वीडियो शॉर्ट वीडियो में जाएगी, ये भी चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अभी सबसे पहले हमको क्या करना है, वीडियो का जो फालतू का पार्ट है उसको हमको ट्रिम कर देना है, अपनी वीडियो से हटा देना है। अब यहाँ से मेरी वीडियो शुरू हो रही है, इसके पहले का जो पार्ट है वो सारा बेकार है, तो यहाँ पे इसको कट करना होगा, स्प्लिट कर देता हूँ, देन पिछले वाले पार्ट पे आता हूँ, उसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब हमारी वीडियो यहाँ से स्टार्टिंग में से तो हो गई सही बिल्कुल, अभी हमको जाना है वीडियो के एंड में, यहाँ से भी इसको ट्रिम करना है। अभी मुझे अपनी वीडियो यहाँ तक चाहिए, तो मैं यहाँ पे आके इसको स्प्लिट कर देता हूँ, दूसरे वाला जो पार्ट है उसको डिलीट कर देता हूँ, और एक वाटर मार्क है हमको उसको भी डिलीट करना है। अभी देखो डिलीट करने के बाद हमारा ओरिजिनल पार्ट बच गया बिल्कुल, अब हम इसको एडिट करना है। सबसे पहले मैं आप लोग को क्या बताऊंगा, कैप्शन, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे एक ही चीज पूछते हैं कि भाई कैप्शन कैसे डालते हो आप, अभी आप लोग लाइव देखने वाले हो। तो यहाँ पे आपको एक टी का ऑप्शन मिल जाता है, टी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, यहाँ से टाइटल पे आपको क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या बोला हुआ है मैंने वीडियो में वो आप चीज आप लोगों को ध्यान रखना, आपको वर्ड टू वर्ड टाइप करना होगा, मैंने बोला हुआ है तो दोस्तों, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा, एंड उसके बाद मैं FF में जाता हूँ और यहाँ से आपको कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। मैं अपनी सभी कैप्शंस में ये वाला फॉन्ट यूज करता हूँ, तो मैं यहाँ पे भी ये वाला फॉन्ट यूज कर लेता हूँ, मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, आपका कोई सा भी फॉन्ट हो सकता है। अब आती है दूसरी चीज, कैप्शन का कलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आपको कलर्स के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं, अभी देखो जैसे एग्जांपल के लिए मैं ही बताता हूँ, व्हाइट कैप्शन का कलर रखूंगा तो कैसा भी नहीं लग रहा भाई, ये बहुत ही अजीब सा लग रहा है, बैकग्राउंड में थोड़ा मिल गया कलर, दिख भी नहीं रहा सही से। तुमको कुछ ऐसा कलर रखना है जो हमारे बैकग्राउंड में ना हो, जो अलग ही दिखे कि भाई हाँ कुछ चल रहा है। अभी जैसे मैं यहाँ पे रेड कलर रखता हूँ, तो रेड देखो ये थोड़ा बैकग्राउंड में मिक्स हो गया, ये अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो मैं दूसरा कलर रखता हूँ ब्लू, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। अब हमको यहाँ पे इसको थोड़ा सा बॉर्डर देना है, व्हाइट बॉर्डर में इसको यहाँ पे देता हूँ, ये देखो भाई, अब थोड़ा सा इसका यहाँ से साइज बढ़ा देता हूँ, थोड़ी सी हमको इसको शेडो भी दे देनी है, ब्लैक शेडो में इसको यहाँ पे देता हूँ, ये और थोड़ा डार्क हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा, अब हमको दूसरे वर्ड पे ध्यान देना है, मैंने दूसरा वर्ड अपनी इस वीडियो में क्या बोला हुआ है, देखो मैं इसको दोबारा से प्ले करता हूँ आज की। तो दोस्तों मैंने बोला हुआ है तो दोस्तों, तो यहाँ पे तो के थोड़ी सी दूर बाद मैं यहाँ पे एक स्प्लिट मारता हूँ, उसको दूसरे वाले पार्ट पे क्लिक करता हूँ, उसको एडिट करता हूँ। यहाँ से मैंने दूसरी जगह क्या बोला हुआ है दोस्तों, तो मैं इसको यहाँ पे दोस्तों लिखता हूँ। अब देखो दोस्तों अभी ये हो गया दोस्तों, अब मैं तीसरा वर्ड जो आपका देखता हूँ कि मैंने तीसरे वर्ड में क्या बोला हुआ है, तो मैंने बोला हुआ है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में, तो यहाँ पे मैं दोस्तों पे एक स्प्लिट लगाता हूँ, एंड थर्ड वाले पे आता हूँ, यहाँ से इसको एडिट करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं अपना थर्ड वर्ड लिखता हूँ जो मैंने बोला हुआ है, तो दोस्तों आज की मैंने बोला हुआ है आज की इस वीडियो में, तो ठीक है ये हो गया। अब मैं इसको वापस से प्ले करता हूँ, दोस्तों आज की इस वीडियो मैंने उसके बाद बोला हुआ है आज की इस वीडियो में, यहाँ पे मैं आता हूँ दोबारा से और एक यहाँ पे स्प्लिट लगाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ आज की इस, आपको इस तरीके से लिखने होंगे भाई कैप्शन। देखो ऑटो वाले कैप्शन लिखने वाली AI वेबसाइट भी बहुत सारी आती है, बट उनमें मजा नहीं आता, अगर आप लोग इस तरीके से लिखोगे थोड़ी मेहनत लगेगी बट वीडियो अच्छा लगेगा आपका। आप लोगों के पास दो ऑप्शन हैं, तो आप AI वेबसाइट से लिख सकते हो, आई डोंट नो बहुत सारी AI वेबसाइट आती है, मैंने कभी यूज की नहीं वैसे उनको, बट मैंने देखा है कि आती है जो ऑटो कैप्शन लिख देती है एक सेकंड के अंदर, बट अगर आप इस तरीके से लिखोगे मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी बट अच्छे लगेंगे आपके। अभी मैं इसको वापस से प्ले करता हूँ, दोस्तों आज की इस आज की इस आ गया, तो जैसे ही मैंने दूसरा वर्ड में बोलने को हुआ था तो मैंने वहीं पे इस वीडियो को पॉज कर दिया। मैं यहाँ पे इसको कट लगाता हूँ आज की इस वीडियो में, मैंने बोला हुआ आज की इस वीडियो में, तो यहाँ पे मैं वीडियो लिखता हूँ, दोबारा से इसको थोड़ा पीछे से प्ले करता हूँ, तो आज की इस वीडियो में
अब यहाँ पे वीडियो के बाद बोला हुआ मैं आज की इस वीडियो में, तो मैं इसको वापस से एक स्प्लिट लगा के एडिट करता हूँ। ये देखो आज की इस वीडियो में, अब देखो ये हो गए हमारे कैप्शन। अभी मैं सारे तो आपको लिख के नहीं दिखा सकता पूरी वीडियो में, मैं क्योंकि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। ठीक, कैप्शन तो हो गए हमारे। अब दूसरी चीज जो आती है वो आती है जूम इन जूम आउट वाली। बैकग्राउंड में टेक्स्ट कैसे लिखना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, वो VN एप्लीकेशन से नहीं लिखे जाते, ठीक है, उसके लिए हमको मास्किंग करनी पड़ती है प्रॉपर। अभी मैं आप लोग को बताता हूँ कि जूम इन जूम आउट कैसे करना है वीडियो। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अभी लाइक हमको दोस्तों करना है आज की पे हमको जूम करना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पीछे आके की फ्रेम लगाता हूँ। ये की फ्रेम रिप्लेस की बराबर में आपको की फ्रेम दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है एंड थोड़ा सा आगे आके एक और की फ्रेम आपको लगा देना है यहाँ पे। अब जो दूसरे वाला की फ्रेम है आपको, अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेना। अब मैं वापस से आता हूँ, देखो किस तरीके से जूम करती है। तो दोस्तों आज की देखो, क्योंकि ये दूसरे वाले की फ्रेम पे अब जूम करेंगे, हम इसको वापस से जूम आउट करना है, तो थोड़ी सी आगे आना है जहाँ पे भी आप लोग जूम आउट करते हो। मैं यहाँ से पहले इसको थोड़ा सा स्प्लिट करके डिलीट कर देता हूँ। अभी लाइक आप मुझे यहाँ पे जूम आउट करना है वीडियो में पे, तो यहाँ पे मैं की फ्रेम लगाता हूँ, थोड़ा सा आगे जाके और एक की फ्रेम लगाता हूँ। अब दूसरे वाले की फ्रेम पे आके मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, जितना भी मैं जूम आउट करना चाहता हूँ। मैं देखो अब मैं आपको इस वीडियो को वापस से प्ले करके दिखाता हूँ स्टार्टिंग से। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला, ये देखो भाई हमारा प्रॉपर जूम इन हो गया, जूम आउट हो गया, ठीक है, ये दो चीज हो गई। आई होप ये दोनों चीज आप लोग अच्छे समझ आ गई होंगी, और अगर नहीं आई तो आप लोग जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको एकदम से रिप्लाई करूंगा। अभी तीसरी चीज जो हमारी आती है वो आती है भाई साउंड इफेक्ट्स। साउंड इफेक्ट्स मैं क्या यूज करता हूँ, BGM मैं क्या यूज करता हूँ अपनी वीडियो में, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, तो सबसे पहले मैं BGM ही बताता हूँ आपको, ठीक है। अभी देखो म्यूजिक का आपको एक आइकन मिलता है, आपको उस पर क्लिक करना है, म्यूजिक पे क्लिक करना है। उसके बाद देखो मैं आप लोग को एक चीज और बता दूं, VN आपको कोई BGM नहीं देता, कोई साउंड इफेक्ट नहीं देता, सब आपको बाहर से ही डाउनलोड करने पड़ेंगे, मैंने सारे YouTube से डाउनलोड किए हुए हैं, ठीक है, आप भी कर लेना। मैं BGM में जाता हूं, ये देखो मैं अपनी सभी शॉर्ट वीडियोस में यही एक BGM यूज करता हूं, पहले से सारी शॉर्ट वीडियो में मेरा यही एक BGM मिलेगा आपको। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई कौन अपने बैकग्राउंड म्यूजिक का नाम बताओ, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। यहाँ पे मैं आता हूँ, इसका साउंड मैं रखता हूँ 17-18 के आसपास कुछ, यहाँ पे मैं 16 रख लेता हूँ थोड़ा, ठीक है, थोड़ा आपको भी क्लियर मेरी आवाज सुनाई दे। मैंने यहाँ पे BGM रख लिया, ये BGM मेरा एंड तक आ गया, ठीक है, बिल्कुल दोनों सही चीज होगी। अब अगली चीज जो आती है वो आती है कैप्शन के साउंड इफेक्ट। मैं कैप्शन पे टिक टिक का एक साउंड इफेक्ट लगाता हूँ, तो मैं वापस से यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ, म्यूजिक पे जाता हूँ एंड साउंड इफेक्ट पे जाता हूँ। यहाँ पे वो साउंड इफेक्ट है जो मैं यूज करता हूँ एक अपने कैप्शन में, ये देखो आप लोग अभी याद भी आ जाएगा आपको अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो, ये देखो यही वो साउंड इफेक्ट है। अब मैं इसका थोड़ा सा साउंड कम करता हूँ, थोड़ा सा नहीं, मैं इसको 30 पे रखता हूँ, 30 या फिर 28 पे मैं इसको रखता हूँ एंड ये देखो यहाँ पे ओके हो गया। अब आपको एक चीज़ और ध्यान देने की जरूरत है, अब जो ये आपकी म्यूजिक की लेयर है ना साउंड इफेक्ट, इसके अंदर आपको दो ही दिखने, देखो एक तो ये हो गया और एक ही हो गया, आपको क्या करना है, आपको इन दोनों के बीच में रखना है इनको, देखो यहाँ पे, अब इसको यहाँ पे डुप्लीकेट करना है और दूसरे वाले जहाँ पे दूसरे वाला हमारा कैप्शन खत्म हो रहा है वहाँ पे रखना है, एक बार डुप्लीकेट करना है, फिर इसको तीसरे वाले के यहाँ पे रखना है, ठीक है, ऐसे करके आपको सारों पे रख देना है। मैं भी आपको ऐसे रख के दिखा रहा हूँ, जितनी बार आप डुप्लीकेट करोगे उतनी बार डुप्लीकेट ये हो जाएगा, बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि ये प्रॉपर तरीके से आने चाहिए। अब जो आपने जूम इन जूम आउट कर रखा है उसके लिए अलग से साउंड इफेक्ट आते हैं, उसके लिए एक वूश का साउंड इफेक्ट आता है, मेरे पास ऑलरेडी है, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप YouTube से डाउनलोड कर सकते हो, आप YouTube पर आकर सर्च करोगे वूश साउंड इफेक्ट तो आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा। अभी मेरे पास तो बहुत सारे वूश के साउंड इफेक्ट पड़े हैं, लगभग 100-150 के आसपास, तो मुझे तो बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूं, अभी जैसे मेरे पास यही एक साउंड इफेक्ट है, मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, मैं इसकी साउंड रखता हूँ लगभग 20 के आसपास, ठीक है, 20 नहीं चलो 30 रख लेते हैं। यहाँ पे एक हमारा ये साउंड इफेक्ट सेट हो गया। अब दूसरा जो जूम इन था हमारा, ये तो जूम आउट था, अब दूसरा जो था वो यहाँ पे था कुछ, ये देखो आप लोग। थर्ड चीज जो हमारी रहती है कलर ग्रेडिंग। कलर ग्रेडिंग आपको सबसे लास्ट में करनी है, क्योंकि जैसे आप कलर ग्रेडिंग करोगे ना आपकी वीडियो एकदम हैंग होना शुरू हो जाएगा आपके VN। तो अभी हम इसमें कलर ग्रेडिंग करते हैं। बैकग्राउंड में टेक्स्ट कैसे लगाना है वो भी मैं अभी आप लोग को बताऊंगा, वो VN से नहीं लगता, वो लगता है कैपकट एप्लीकेशन से, उसके लिए भी आप लोग वीडियो स्किप मत कर देना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां से मैं क्या करता हूं, उसमें फिल्टर में जाता हूं, कलर ग्रेडिंग के लिए एडजस्ट में जाता हूं। अब ये चीज अगर आप लोगों ने समझ ली ना, तो आप अपनी वीडियो को किसी भी तरीके से एडिट कर सकते हो, मतलब कितनी भी क्लियरिटी ला सकते हो अपनी वीडियो में, ठीक है। मैं किस तरीके से करता हूं आप वो चीज देख लो, मैं यहां पे थोड़ा इसको कम कर देता हूं, कंट्रास्ट थोड़ा बढ़ा देता हूं एंड ब्राइटनेस भी थोड़ा कम कर देता हूं, जिससे मेरे हेयर वगैरह, जैसे जो मैंने टी शर्ट पहनी है ब्लैक कलर की, वो थोड़ी ज्यादा डार्क हो जाए, तो ठीक है। अब मैं वाइब्रेंस थोड़ा सा बढ़ा देता हूं एंड ये जो HCL है भाई, यहां पे आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, इससे आप कोई भी कलर टारगेट कर सकते हो। यहां पे आपको क्या करना है, देखो बैकग्राउंड में मेरे कौन सा कलर है, ब्लू, तो यहां पे ब्लू को आपको सिलेक्ट करना है एंड इसको कितना भी घटा बढ़ा सकते हो आप, ये देखो भाई ये जितना आप करोगे उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, तो ये कलर टारगेटिंग हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं आता हूँ, देखो मेरा फेस थोड़ा सा येलो हो रहा है, तो मुझे इसको कम करना है, फेस को मुझे अपना थोड़ा व्हाइट करना है, तो मैं यहाँ पे येलो वाले कलर पे क्लिक करता हूँ, इसको टारगेट करता हूँ एंड इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ये देखो। आप जितना कम करना चाहते हो, जितना बढ़ाना चाहते हो उसको बढ़ा सकते हो, मैं अपने अकॉर्डिंग कर लेता हूँ जहाँ पे मुझे अच्छा लगता है। रेड वाले कलर पे आता हूँ, इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये देखो। अभी जो मेरे बैकग्राउंड में RGB लाइट है, मुझे पता है उसमें कौन कौन से कलर है, इसमें ब्लू कलर है अभी क्योंकि ब्लू कलर पे पॉज है वीडियो, उसमें एक ग्रीन कलर भी है, तो मैं ग्रीन वाले पे क्लिक करता हूँ, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो इस तरीके से आप कोई भी कलर टारगेट कर सकते हो, किसी जो भी कलर आपकी वीडियो में, आपको यहाँ से उसको सिलेक्ट करना है, वो बस इस तरीके से कम ज्यादा कर देना है, वो उसी तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको आगे एक ऑप्शन मिलता है विग्नेट का, ठीक है, आपको इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देना है
इससे आपका फेस थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा और शार्पनेस को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है। देन अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देना है। अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करने का क्या फायदा है, जैसे ये दो लेयर्स हैं, ये वाली लेयर है, ये वाली लेयर है, तो ये दोनों पे अप्लाई हो गया कलर आपके। अगर आप अप्लाई टू ऑल पे क्लिक ना करते तो ये सिर्फ इस वाले पे अप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि भाई एक्सपोर्ट हम क्वालिटी में करें, किस फ्रेम रेट में करें, तो यहाँ पे मैं आप लोग को भी बताता हूँ। देखो, अगर आपकी वीडियो है 4K में तो आप 4K में एक्सपोर्ट करो, बट अगर आपकी वीडियो 180 पिक्सल में है तो तब भी आप अपनी वीडियो को 4K में ही एक्सपोर्ट करो। क्योंकि क्या होता है भाई, YouTube ना वीडियो की क्वालिटी को कंप्रेस करता है जब आप YouTube पे अपलोड करते हो। तो जब आप 4K क्वालिटी में अपलोड करोगे तो YouTube उसको कंप्रेस करके 180p कर देगा, बट आपकी ओरिजिनल वीडियो तो 180p में ही है, तो आपकी वीडियो को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो यार, VN एप्लीकेशन का हमारा काम हो चुका है कंप्लीट, वीडियो हमारी एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब हम आते हैं कैपकट एप्लीकेशन में। आप लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली होगी आई होप, अगर नहीं की तो यार कर लो, अगर नहीं हो रही तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हमको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, अपनी वो वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है जो हमने VN से एक्सपोर्ट की है। मैं यहाँ से इसको ऐड कर लेता हूं। ऐड करने के बाद यहां पे अब मैं सबसे पहले आपको बैकग्राउंड में टेक्स्ट लिख के दिखाता हूं कि आपको अपने पीछे, अपने सर के पीछे टेक्स्ट ऐसे लिखना है, ठीक है। यहां पे आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है, लाइक आप जो भी लिखना चाहते हो। मैं यहां पे कुछ अपना नाम ही लिख देता हूं, चलो अभी एग्जांपल के लिए। आप कोई सा भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो यहां पे फॉन्ट पे क्लिक करके, जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगे। मैं हमेशा से ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट करता हूं। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ बता रहा हूं, आपको जो अच्छा लगे आप वो करना, ठीक है। अब आप जहां पे भी अपना टेक्स्ट को सेट करना चाहते हो आपको उसको वहां पे सेट करना है, एंड स्टाइल पे आना है, थोड़ा जो भी आप लोग उसको कलर देना चाहते हो, लाइक मैं यही वाला कलर दे देता हूं। इसको यहां से मैं थोड़ा साइज इसका सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद आते हैं अफेक्ट। यहां पे अगर आप लोग कुछ इस तरीके से रखना चाहते हो तो इस तरीके से भी रख सकते हो अपने इसको। तो मैं यहां पे, मेरा ये फेवरेट है वैसे, आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं यही वाला यूज करता हूं कुछ अपने रेड कलर का अपनी वीडियो में। दूसरी चीज आती है एनिमेशंस। आप लोग को किस तरीके से अपने टेक्स्ट को एंट्री देनी है, तो यहां पे कुछ भी आप लोग, जो भी आप लोग को अच्छा लगे वो आप लोग कर सकते हो। लाइक मैं यही चीज से यूज कर लेता हूं, इसको थोड़ा कम कर देते हैं जिससे जल्दी इसकी एंट्री हो टेक्स्ट की। अब देखो, वीडियो को एक प्रोफेशनल तरीके से टेक्स्ट एंटर करेगा। मैं इसको यहां से थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं, उठा नहीं करना आपको, इस वीडियो को सेव कर देना है। आगे आपको क्या करना है उसके बाद मैं अभी बताऊंगा आपको। अब वापस से हमको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद हमको वो वीडियो यहां पे सिलेक्ट करनी है जो वीडियो हमने कैपकट से एक्सपोर्ट की है। VN वाली नहीं करनी, कैपकट वाली करनी है जो भी हमने एक सेकंड पहले एक्सपोर्ट की है। तो यहां से मैं वो वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूं। ये देखो, ये आ गया टेक्स्ट, अभी हमारे सर के ऊपर ही आ रहा है। बट अब आपको क्या करना है, ओवरले का आपको एक नीचे ऑप्शन मिलता है, ओवरले पे क्लिक करना है एंड प्लस ओवरले पे क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको अपनी वो वाली क्लिप यहाँ पे सिलेक्ट करनी है जो आपने VN से एक्सपोर्ट की थी, समझ रहे हो। अब आपको वो करनी है जो VN से एक्सपोर्ट की थी, लाइक ये वाली वो क्लिप थी। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड ये देखो भाई, ये इसके ऊपर आ गई, ओवरले हो गई। तो अब आपको क्या करना है, ये चीज ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कटआउट का, आपको उस पर क्लिक करना है। रिमूव बैकग्राउंड पे आपको क्लिक कर देना है और ये देखो, अब आपके यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव होना स्टार्ट हो चुका है। अभी मैं यहाँ से जो भी फालतू की चीज है, लाइक ये टेक्स्ट से पहले यहाँ पे इसको कट भी कर सकते हो स्प्लिट करके। आपको क्या करना है, यहाँ से इस वीडियो को, अब यहाँ पे कैपकट में आपको और भी बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, लाइक आप कोई इफेक्ट लगाना चाहते हो, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इफेक्ट पे आपको क्लिक करना है, बॉडी इफेक्ट पे जाना है एंड ये देखो सुपर पावर्स ग्लोइंग लाइन्स, यहाँ पे आपको बहुत सारे इफेक्ट मिल जाते हैं। जो मेरे फेवरेट है वे कुछ इसमें आते हैं, ये देखो ग्लोइंग लाइंस में आते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे इफेक्ट मिल जाते हैं। इस वीडियो में आपको बताने चाहते कैसे आप लोग अपनी शॉर्ट वीडियो बैकग्राउंड में रखना चाहते हो, वो भी आप लोग को मिल जाएगा। बहुत सारे लोग मुझसे इस वीडियो में आपको बताने कैसे आप लोग, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कैसे आपको यहाँ पे इसको डन कर देना है। जितना भी आप इफेक्ट रखना चाहते हो, जहाँ पे भी रखना चाहते हो वहाँ पे इसको रख सकते हो कुछ इस तरीके। अब ये देखो, मैं आपको वापस से अपनी पूरी वीडियो प्ले करके दिखाता हूं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कैसे आप लोग अपनी शॉर्ट वीडियो को एक प्रोफेशनल तरीके, ये देखो भाई किस तरीके से हमारा टेक्स्ट एंटर कर रहा है, किस तरीके से मेरा बैकग्राउंड में जो इफेक्ट आ गया। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी वीडियो को एडिट कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो 4K में।